नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वक्त ट्विटर पे अन एकेडमी के एक टीचर वरुण अवस्थी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। इस वक्त इनका नाम टॉप ट्रेंडिंग में है ट्विटर पे। असल में इनके वायरल होने के पीछे इनका आक्रोश में आके या फिर एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में आके दिया गया वो बयान है जो इन्होंने अपने अन एकेडमी वाले वीडियो पे डाला था। असल में इन्होंने जिस प्रकार से अभी पिछले 3-4 दिन से काफ़ी जो सरकारी जो पाना चाहते हैं जो बच्चे जो बेरोज़गार हैं इस वक्त और कोरोना की वजह से सब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और उनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो उनका एक काफ़ी बड़ा आंदोलन चल रहा है। उसी में जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो टीचर्स करते हैं उन सबका भी एक अभियान चल रहा है कि जितने भी फॉर्म भर चुके हैं जितने भी SSC के हुए या फिर स्टेट लेवल के हुए जो एक एक दो दो साल से फॉर्म भरे हुए हैं अभी तक उनका ना परिणाम आया है ना कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो इस वजह से जो बच्चों में आक्रोश है उसकी वजह से इन्होंने अपने जो वीडियो है उसमें एक वॉयलेंस को बढ़ावा देने वाली बात कही है कि बच्चा AK-47 उठा लेगा और ये हो जाएगा। हालांकि वो आवेश में आके कही होगी, लेकिन दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं इस वक्त जो युवाओं में जो फ्रस्ट्रेशन पनप रहा है उसको ये इंगित भी करती है। हालांकि वॉयलेंस किसी भी रूप से सही नहीं है, आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते वॉयलेंस को AK-47 उठाने को, तो ये एक बहुत गलत बात है। लेकिन उन्होंने इस बात की माफ़ी भी मांग ली है अपना एक वीडियो जारी करते हुए। मैं फील करता हूं कि आप लोगों के पेन की वजह से वो वर्ड्स निकल गए, उन वर्ड्स को मैं ऑफिशियली वापस लेता हूं और प्लीज मेरी आपसे यही दरखास्त है कि हमेशा हमेशा मैं एक भारतीय था, भारतीय हूं, भारतीय रहूंगा, डोंट कॉल मी लाइक दिस, इससे ज़्यादा ठेस कुछ नहीं पहुँचा सकता। पर दोस्तों जिस प्रकार से भारत में ठीक है कोरोना को कोई नहीं रोक सकता, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक इस चाइनीज़ वायरस की वजह से कॉलेप्स हो चुकी है, लेकिन जिनकी विज्ञप्ति निकल चुकी है जिन जॉब्स की और जिनके एग्ज़ाम अभी होने हैं उनको जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराया जाए सरकार को, और जो ये सरकारी नौकरियों का जो ढांचा बना हुआ है जिसमें ये कब एग्ज़ाम होते हैं कौन सा डिपार्टमेंट लेता है इसको भी थोड़ा राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को टाइट करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सख्ती के साथ करना चाहिए, जिसकी वजह से जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो पूरी पारदर्शिता के साथ हो। इस वक्त सरकारी नौकरियों का ये हाल है कि आए दिन फर्जीवाड़े की खबरें आ रही है, कोई कहाँ से प्रमाण पत्र बनवा रहा, कोई कहाँ से बनवा रहा है, हर तरफ काफ़ी मतलब इस वक्त असंतोष फैला हुआ है बच्चों में। तो बस इस वीडियो में यही है कि मोदी जी को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, हर एक स्टेट लेवल की जो राज्य सरकार है उनकी इन जो सरकारी नौकरियां हैं इनकी एक अलग से एक मीटिंग होनी चाहिए और जिसमें वो बोलें कि भाई जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो जिनके फॉर्म जिनका जिनकी स्वीकृति वित्त मंत्रालय भी दे चुका है उनके तो कम से कम जल्द से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, ताकि जो जितने भी बच्चे हैं जो काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहे हैं तो कम से कम उनको तो राहत मिले। क्योंकि दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया में जिस प्रकार से मोदी जी के वीडियोज़ को अनलाइक किया गया वो एक क्लियर संदेश है। हालाँकि मुझे लगता है कि जो सरकार इसको गंभीरता से सोच रही होगी और इस पर विचार करके इस पर तुरंत कार्रवाई कर रही होगी।